यूपीएससी परीक्षा के फाइनल परिणाम की घोषणा कर दी गई है। परिणाम सामने आने के बाद से बधाइयों का तांता लग गया। इस बार के परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी। ऊपर से तीन टॉपरों में लड़कियों का नाम है। अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें तो यूपीएससी में लड़कियों ने हैट्रिक लगाई है। इस बार के परिणाम में बिहार की बेटी दूसरे स्थान पर रही। अंकिता अग्रवाल मूलतः बिहार की रहने वाली है। वह बिहार के मधेपुरा की रहने वाली है। बिहार से कई छात्रों ने इस बार यूपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बार अगर हम टॉपरों की बात कर लें तो सबसे पहले स्थान पर श्रुति शर्मा का नाम है, जबकि दूसरे स्थान पर अंकिता अग्रवाल है और तीसरे स्थान पर गामिनी सिंगला का नाम है। इस तरह से टॉप तीन में लड़कियों का जलवा देखने को मिला। यूपीएससी की टॉपर श्रुति शर्मा बिजनौर की रहने वाली है। इनकी पढ़ाई दिल्ली के संत स्टीफन कॉलेज में हुई है। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किया। वहीं अगर हम दूसरे टॉपर की बात करें तो उनका नाम अंकिता अग्रवाल है और वह बिहार के मधेपुरा जिले के बिहारीगंज की रहने वाली है। बता दें कि बिहारीगंज में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह कोलकाता चली गई, उसके बाद दिल्ली। वर्तमान में उनके माता पिता कोलकाता में रह रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो उनके पिता मनोहर अग्रवाल कोलकाता में हार्डवेयर के व्यापारी हैं। इस यूपीएससी परीक्षा में बिहार के कई और छात्र ने बेहतर प्रदर्शन किया। मोतिहारी के पताही प्रखंड के नारायणपुर के रहने वाले शुभंकर प्रत्युष पाठक को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि उनके पिता आर के पाठक भारत सरकार में तकनीकी विकास बोर्ड के सचिव हैं। इनका बीटेक धनबाद से हुआ है। बिहार के ही रहने वाले अंशु प्रिया को 16वां स्थान मिला है। इसके साथ ही साथ बिस्कुमान कॉलोनी पटना के रहने वाले हरेंद्र सिंह के बेटे आशीष को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। हरेंद्र सिंह शेखपुरा के रहने वाले हैं। वहीं कटिहार जिला के रहने वाले अमन अग्रवाल 88वें रैंक मिला है। यूपीएससी परीक्षा में मुजफ्फरपुर के रहने वाले दो युवाओं ने सफलता प्राप्त किया। इन दोनों का रैंक 146 एवं 272 रैंक जो है इन्होंने प्राप्त किया है। इस परीक्षा परिणाम में मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के मकसूदपुर के रहने वाले विशाल कुमार का 484वां स्थान मिला है। बता दें कि विशाल कुमार के पिता मजदूरी करते थे, लेकिन पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनका परिवार जो है कर्ज में डूब गया। आपको बता दें कि विशाल कुमार का मैट्रिक की परीक्षा में जिला में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए पूर्व डीजीपी अभियानंद के मार्गदर्शन में आगे की पढ़ाई किया, जिसके बाद उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके चलते एक कोचिंग संस्थान से जुड़ गए। वे खुद गरीब थे, लेकिन उन्होंने गरीबों की मदद करने की सोची और आज वे देश के उच्च परीक्षा में सफल हुए हैं। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।